भगत सदना जी का यह अमृत बचन है बिलावल राग च। इस विच उन्होंने प्रभु की शरण विच पै के परमात्मा दे सन्मुख ये अरदास बेनती ये जोदड़ी कीती है कि पार ब्रह्म परमेश्वर जी, कुछ लोग कहिंदे आ कि मेरे कर्मां नूं वेख के कि तू जो मर्जी करी जा कि पार ब्रह्म परमेश्वर वाहगुरु ने तेनू माफ़ नहीं करना, तेरा गुनाह नहीं माफ़ करना। फिर कहिंदे ने जदों मैं आप जी दी बख्शिश पढ़ना, तुसी पापियां नूं तुसी गुनाहगारां नूं किवें बख्श देंदे हो? फिर मेरे मन च आउंदा नहीं, परमात्मा तू कृपा करके मेहर करके बख्श देना। सच्चे पातशाह जी की अमृत बाणी च भगत सदना जी का वचन है, वह वचन है महाराज जी का कि नृप कन्या का कारण है एक भया भेकधारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पैज सवारी। इस विच एक उदाहरण दिती है, इसनों कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया ये दो तुकां शब्द के आरंभ विच ने, जिस विच भगत सदना जी एक बड़ी पुरातन उदाहरण देंदे पाया। तो मैं आप नूं बेनती करांगा कि इस घटना नूं सिर्फ शब्द की व्याख्या लई आपां जो भगत जी ने वरत्या वो अपने अवगुण कह लो जां अपने गुनाह कह लो, अपने पाप बंदा कोई करे भगत जी नहीं बिच वो समझाने वास्ते कि परमात्मा इन्ने गुनाहों इन्ने पापियों इन्ने पखंडियों भी तार देंदा है। वो असल च घटना है कि एक राजे की बेटी, क्योंकि मैं सिर्फ दो तुकां दे पहला संखेप जै अर्थ ना कि इसकी विस्तार नाल कोई बहुत वड्डी साखी। नृप कन्या का कारण है एक भया भेकधारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी। राजे की लड़की ने यह प्रण किया, मैं विष्णु जी नाल विआह कराना है, मैं शादी उन्हां नाल करानी है। तो उस वक्त कहिंदे आ कि एक भेखी एक पखंडी जिहड़ा है उन्हें विष्णु जी का रूप धारण कर लिया। वो इस करके भी वो उस दे रूप से मोहित सी, कामी बंदा, उन्हें विवाह करा लिया भेख करके पखंड करके जी मैं विष्णु हाँ। कहा जाता उस राजे दे उत्ते किसी ने हमला कर दिता। तो उस वक्त जदों राजा थोड़ा जा डरन लगा भी मेरे ते हमला हो गया किवें बचा होगा, तो राजे की बेटी ने अपने पिता जी नूं धीरे देंदिया कहा तुसी घबराओ ना, आपनू पता नहीं कि तुहाडा जमाई तुहाडा दमाद जिहड़ा विष्णु है। ये भगत माल विच वी इहदा जिक्र है, पंचतंत्र विच वी इहदा जिक्र है, जिहड़ी मैं क्योंकि बाणी च उदाहरण के तौर पर लिया। वह कहिंदी पिता जी घबराओ ना, मेरा पति जिहड़ा है आप वो समर्थ है। राजा खुश हो गया, कहिंदा बिल्कुल। जदों उस दी पत्नी ने ते राजे ने बेटी ने राजे दी ने ते राजे ने अपने दमाद नू ते बच्ची ने अपने पति नू कहा कि साडे पिता जी उपर आ मुसीबत पै गई है, तुसी तां विष्णु हो ते सब कुछ ये मुसीबत टाल दिओ। उस वक्त कहिंदे ने उस भेखी ने इस पखंडी ने उसने अरदास कीती, परमात्मा भेख मैं तेरे नाँ दा बनाया, मैं परपंच तेरे नाँ दा कीता, पर मैं असलियत विच ओह है नहीं, तू कृपा कर मेहर कर इस भेख दी लाज ही रख लै। इत्थे भगत सदना जी ये नहीं कह रहे, मेरी गल सुनियो भी, ये इस तरह बंदा भेख करे पखंड करे पाप करे ते रब इस तरह, इत्थे सिर्फ वह रब दा बिरद दस रहे आ। कहिंदे आ एक वह बंदा जिन्हें इन्ना बजर पाप किया रब दे नां ते उन्हें जां विष्णु दे नां ते कीता, ते परमात्मा ने उस कमारथी उस स्वार्थी दी इज्जत भी बचा दित्ती क्योंकि उन्हें तेरे नां ते भेख कीता। परमात्मा मेरे अवगुण बहुत ने, जे तेरी शरण विच जा के भी मैनू ये अवगुण ना कट्टे गए तो मैं किहड़े पासे जावांगा, तेनू जिवें पौंदा तू मैनू रख लै। भगत जी का शब्द है कि नृप कन्या का कारण है एक भया भेकधारी कामार्थी स्वार्थी वाकी पै सवारी। अगला बचन है तब गुण कहा जगत गुरा जो कर्म ना नास है,
हे जगत दे मालक वाहगुरु जी, जे तेरी शरण में जाके भी माड़े कर्मों का नाश नहीं होना तो फिर तेरी शरण में पैन का की लाभ। उदाहरण देंदे आ, सिंह शरण कत जाइए जो जंबुक ग्रस है, शेर की शरण भी जान का की लाभ जेकर के उत्थे जाके भी सानू सही अर्थां विच गिद्दड़ ने तंग करी जाना है। शेर की शरण विच तां फायदा है कि जे उहदे सामने गिद्दड़ ना, जे गिद्दड़ तो डरी जाना है शेर की शरण च, इहदा मतलब ये वे कि परमात्मा तू शेर की तरह है, मेरे कर्म गिद्दड़ की तरह ने, जे तेरी शरण विच जाके भी सताई जाना है, तू पाप कर्म किए, तू माड़े कर्म किए, तो परमात्मा शेर दे खलो कोल खलो, जे गिद्दड़ तंग करे तो फिर शेर की शरण का की फायदा। मैनू इंज लगता इन्ने भरोसे तो कहिंदे पए आ कि सिंह शरण कत जाइए जो जंबो ग्रस है, तब गुण कहा जगत कोरा जो कर्म ना नास है, सिंह शरण कत जाइए जो जंबो ग्रस है, एक बूंद जल कारण चात्रिक दुख पावे। स्वंती एक बूंद ली चात्रिक जेड़ा है वह बेचारा कल्पद, वह विलकद, वह प्रियो प्रियो पुकारद, पर जे उन्हों एक बूंद ना मिले ते उहदे मरण तो बाद भावें तू समुंदर पैदा कर दें ते फिर परमात्मा उन्हें समुंदर नू की करना है। एक बूंद जल कारण चात्रिक दुख पावे, प्राण गए सागर मिले पुन काम ना आवे, उन्हों तो एक बूंद चाहिए। इहदा मतलब तू जे मैनू हुण ना बख्शिया ते फिर कदों बख्शेगा, हुण मैं तेरे दर ते आ डिगा। अगला बचन कहिंदे आ कि मालक जी, प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवे, प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बरमामू, बूढ़ वे नौका मिले कहो काहे चढ़ावू, हुण मैं डुबना पियावा, ते जे तू हुण मैनू कश्ती मैनू बेड़ी ना दित्ती ते की करांगा, मरण तो बाद तां मैं मरे हुए ने आप ही तर जाना है। इहदा मतलब कि शेर प्रभु तेरी शरण विच भैड़े कर्म फिर तंग ना करन, तू कट दे मैनू जिउंदे जी, तू ये पानी की बूंद बख्श दे, मेरे ते मेहर कर दे, मैनू जिउंदे जी किश्ती दे दे, मरण तो बाद तां शरीर अपने आप ही तर जांदा है। अगे कहिंदे ने, प्राण जो थाके थिर नहीं कैसे बिरमावूं, बूढ़ मुवे मौका मिले कहो काहे चढ़ावूं, मैं नाहीं कछ हौ नहीं कछ आहे ना मेरा मोरा, मैं नाहीं किछ हौ नाहीं कछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लियो सदना जन तौरा, परमात्मा मैं कुछ भी नहीं, तेरी शरण च आया हाँ, तू मेरे गरीब दी पत रख लै। कई बार बंदा गलती कर लेंदा ऐसी, मैं अज भी पढ़ रहा सा, अंदर किते मन जाए मैं गलती की, क्योंकि अज का प्रकरण ज्यों पावे त्यों राख लै, हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम भूल बिगाड़े दिन स रात हर लाज रखाए, तू साडी इज्जत साडी पत रख ली, असी रोज़ भुलने दिन रात। जदों बंदा अंदरों अपनी गलती का एहसास करता है ना, इकबाल ने गल कही है, कहिंदा जदों बंदा दुआ त हाथ चुकदा है जां अपने शब्द वरतां गुरु अगे खलो के तुर अंतर आत्मे तो हाथ जोड़ के अरदास करदा है, जिस विच ए भावना हुंदी है कि मैं आ गलतियां कीतियां, मैं गुनाहगार हाँ, इकबाल कहिंदा रब उन्हां हत्थां नूं जुड़िया होया नूं चुम लैंदा है जिहड़े बंदे अपनी गलती मन लैंदे आ। उहदे दो तीन शेर ने खास करके मैं अज दे दिहाड़े लई, उह लिखदा है, फिर शाने करीमी के हौसले देखे, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूँ मैं, कहिंदा वेखो रब दा हौसला, तू अपने परमात्मा दा अल्लाह दी बख्शिश वेख, तू एक बारी कह तां सही मैं गलती की है अपने अंदर तो, सियासी गलत शब्द नहीं अंदर तो, फिर शाने करीमी के हौसले देखे, गुनाहगार जो कह दे गुनाहगार हूँ मैं, तड़प के शाने करीमी ने ले लिया बोसा, कहा जो सर को झुकाकर गुनाहगार हूँ मैं, मोती समझ कर शाने करीमी ने चुन लिए, खतरे जो थे मेरे अरके इनफाल के, कहिंदे ने जदों मेरी शर्मिंदगी दे अरके इनफाल, इनफाल दर्द हुंदा परेशानी शर्मिंदगी अपनी गलती, कहिंदे ने जदों मैं परमात्मा दे रब दे सामने
अपनी इस गलती नूं महसूस कीता, मैं गलत हां, मैनूं शर्मिंदगी है, ते मेरी शर्म दे विच्चों जदों अखां दियां विच्चों पानी निकलिया, अथरू डिगे, कहिंदे रब ने मिट्टी विच घट्टे विच उहनां अथरवां नूं रुल नहीं दिता, पछतावे दे अथरवां नूं रब ने इस तरह सांभ लिया जिवें कि जोरी सुच्चे मोतियां नूं सांभ लैंदा। मोती समझ कर शाने करीमी ने चुन लिए, उन्होंने मोती जान के रब ने चुन लिया, उन्होंने सांभ लिया। कोई बंदा अपनी गलती का एहसास ना करे,